आगे भी ये होगा, अगर हम संगठित नहीं हुए तो यहाँ पर भाजपा खत्म हो जाएगी। इतने राक्षस इकट्ठे हो रहे थे, जो कादरों का धड़ा बटला हो रहा था आने वाले 19 में, अगर यही हालत भाजपा की रही तो भाजपा ने आपको पूछने वाला नहीं रहने। ये क्या दिख रहा है 2019 में, मोदी वर्सेस ऑल, अब ऑल की बात आ गई। ये तो जी क्षेत्रीय जो उपचुनाव होते हैं क्षेत्रीय, छोड़ दो उपचुनाव, 2019 की बात करो, मोदी वर्सेस ऑल, लग रहा है आपको कि आप जीत पाएंगे क्योंकि 3 सीटें चली गई है, जैसे ही वो मिले जीतेंगे, पूर्ण बहुमत मिलेगा। और जो आपको क्या दिख रहा है जी, मिल जाएगा मोदी के सामने, सारे उतर गए ये जितने राक्षस इकट्ठे हो रहे थे, जो कादरों का धड़ा बटला हो रहा था, ये तो अलग अलग सीटों के ऊपर थे, इनका तो बहुत जल्दी मामला खत्म हो जाएगा। आगे बीजेपी पूर्ण बहुमतता होगी या अलग अलग प्रत्याशियाँ होंगे, सपा के भी, बसपा के भी, लोकदल के भी, ये तो इकट्ठे ही अकेली सीट के भी तो हो गए थे, अगर बीजेपी ने को रोक नहीं पाओगे भारत में। क्यों जी अब लग रहा है मोदी में दम क्या हो गया, कुछ खत्म सा हो गया, कहाँ जीत हो ही नहीं पा रही, योगी भी रैलियाँ कर रहे हैं, उनके मंत्री कर रहे हैं, फिर भी जीत नहीं पा रहे भाई। गुंडों का आगे क्या चला रेले पे, एक सच्चे आदमी की सारी दुनिया गुंडे इकट्ठे हो रही है। बीजेपी का तो सब तो कर्नाटक ही रहा, वहाँ भी सब लोग इकट्ठे हुए, इसने राहुल गांधी ने बहुत काफ़ी समय लगा, वहाँ फर्स्ट नंबर पर पहुँच गई, जहाँ राजीव का गढ़ था उसका घर था, वहाँ पोजीशन देख लो आप बीजेपी की कितने ऊंचे स्थान पर गई। आप तो कर्नाटक देख रहे नहीं देख रहे कि लोकसभा में यहाँ हार हो रही, लोकसभा में उपचुनाव में हमारी हार होगी, यह सच्चाई है, क्योंकि यहाँ सब पार्टी इकट्ठे होगी थी, आगे इकट्ठे नहीं हो पाऊंगे 19 में अलग अलग। क्यों जी हमें तो दैनिक है, उम्मीद तो पूरी है, मोदी की उम्मीद पूरी है, सारे मिल रहे, सबको हरा रहे, आपको लग रहा भी उम्मीद है। जब सारा गुंडे पर तो कह रहे थे हमारी बुआ जी जीत रही, वो भी हार गई, तीन बार मंत्री बने थे भैया, और ये अभी चौथी बार, पांचवी बार जब भी होगी इब्राहिम लिंकन वाला रोल करेगी, जब तक 17 बार। हाँ जी आप बताओ 2019 में मोदी और ये सब कौन दिख रहा है? मोदी होगा जी, फिर भी मोदी। पेमेंट आए ना आए, पेमेंट का कोई वो नहीं है जी, पेमेंट का जी पेमेंट की कोई बात ही नहीं है क्या जी? पेमेंट की तो कोई बात नहीं है, और पेमेंट की बात क्यों नहीं, पेमेंट की बात भी है, जब हम खून पसीने की मेहनत से पैदावार करते हैं, वो समर्थन मूल्य हमको नहीं मिलता, बात क्यों नहीं है? बात तो सारी है, बाकी है कि मोदी और योगी की सरकार बहुत अच्छी है। 2022 में डबल कर देंगे वो आपकी इनकम, ये कह रहे हैं, तो इंतजार कर लो 2022 तक। हाँ जी हमने तो इंतजार है, इंतजार ही लग रहे करण, हम तो डर के लग रहे इंतजार करण, बाकी जो नीचे वाले जो नेता है नहीं, मैन मकसद वो है हार का कारण, वो काम नहीं करते अपने ग्राउंड पर। हाँ मोदी और योगी की सरकार बहुत बढ़िया है, लेकिन ना तो हमको समर्थन मूल्य फसल का मिलता है, और न टाइम पर हमें पेमेंट मिलता है, मुख्य कारण ये है हमारी तरफ से हार का। तमाम कुछ और लोग भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी ऐसा है जी, आने वाले 19 में अगर यही हालत भाजपा की रही तो भाजपा ने आपको पूछने वाला नहीं रहने का। मेरे युवा सड़क पर पिट रहे, पहले 2 लाख हुए थे शिक्षा मित्र में घर बैठा दिए, और सबसे बड़ी कमी जो है या सरकार की है, मोदी तो फिर जाए विदेश में और योगी फिर जाए अपना यहाँ से घोषणा करता, और मेरे जो जवान हुए शहीद हो रहे वहाँ से उनका कुछ ख्याल नहीं किसी ने। आने वाले 19 में अगर यही हालात रहे तो भाजपा ने आपको पूछने वाला नहीं पाने का। साफ तौर पर अब तो साफ हो गया कि भाजपा, हाँ कुछ और। हाँ जी सर मुद्दे काफ़ी हैं, मुद्दे अनएम्प्लॉयमेंट का भी है, पेट्रोल डीजल का भी है, क्योंकि कैराना भी इंडिया में ही है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो समस्याएं भारत में हैं वो यहाँ पर भी हैं। पेट्रोल डीजल का भी मुद्दा है सर, पेट्रोल डीजल कितना इक्वल रेट हो गए हैं सर, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है सर, गन्ने के पेमेंट का मुद्दा है सर, ये सब किसान हैं यहाँ पर, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है उस संगठन का है सर, हम जो गुज्जर हैं हम संगठित नहीं है सर, हिंदू संगठित नहीं है, जो अदर्श बिरादरी हैं सर वो संगठित हैं। यहाँ पर क्या हुआ सर, जो आगे भी ये होगा, अगर हम संगठित नहीं हुए तो यहाँ पर भाजपा खत्म हो जाएगी, क्योंकि तो भाजपा तो खत्म हो ही रही है, फूलपुर से हो गई, गोरखपुर से हो गई, कैराना से हो गई, भाजपा रही कहाँ गई? एक्चुअली क्या है, भाजपा रहे ना रहे लोगों का विकास तो होना चाहिए ना। हाँ विकास, विकास होगा तो सब कुछ होगा सर, विकास पे डिपेंड करता है सर। विकास है, पेट्रोल के दाम 80 रुपए छू रहे हैं, विकास पे डिपेंड करता है सर। सभा में यहाँ विधायक जो है सपा का था, और यहाँ बिरेंद्र भी एमएलए सपा का ही है, यहाँ तो मेरी जीत हुई कैराना विधानसभा में, बाकी अलग जगह आ रहे, कैराना में 14-15 हज़ार से जीते हम इतने गठबंधन के बावजूद, कैराना विधानसभा में हमने जीत दिलवाई, जहाँ आप खड़े इस जमीन पर थे, वो तो उधर जाकर आ रहे हमने कुड़गंगा थाना भवन में, थाना भवन में मानना में करने का मुद्दा है, थाना भवन करना मंत्री था, अगर वो 4 महीने का पेमेंट खोल दे तो हमारी जीत भी निश्चित थी। 2019 में पेमेंट ये रहेगा, फिर कहाँ जाओगे? अजी पेमेंट तो पहले भी ठीक है रहा, अभी ठीक है रहा,
2019 नरेंद्र मोदी के उसमें लड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी क्या कहें, वो नहीं कहते कि मेरी इज्जत बचा लो, मेरी लाज बचा लो। ये तो कहें जो होगा ठीक है, नहीं तो अपनी जोड़ी ठाकर चल देंगे। यहाँ कहें कि मेरी लाज बचा लो, इज्जत बचा लो। तो उनके भाषण में, इनकी भाषाओं में बहुत फ़र्क है जी। हमारी बुआ जी की भाषा में फ़र्क है, हमारी जो अभी संसद बनी इनकी भाषा में फ़र्क है। हमारी बुआ जी आज भी कह रही कि हम क्षेत्र में विकास करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। वे कहें कि हम परस कर देंगे, हम नो कर देंगे, वे कर देंगे, वे गुंडागर्दी की बात करें जी। पहले विकास हुआ कि नहीं हुआ? जो कोई विकास कर बाबू जी ने कर, विकास नहीं किया, कोई विकास नहीं कर। अब सरकार तो आपके विकास को कहाँ से कर देगी पेमेंट? पहले नहीं रही सरकार, तो पहले भी रही इनकी, पहले भी रही जवान जाकर दिए डांगर खोल लिए। मैं तो बाईपास पर पत्थर पड़ा था, उन्हें उठा ले गया था मनमोर। साफ तौर पे अब 2019 की लड़ाई है, और इस वक्त जो कंडेला गांव में हूँ, यहाँ पर मैंने राय ली क्योंकि बात बहुत गंभीर थी। लगातार मैं आया था चुनाव से पहले भी, तब भी इन्होंने कहा था कि जीत होगी, इसीलिए बातचीत करने आया क्योंकि हार हो गए। ऐसे में लगातार हमारी कवरेज जारी रहेगी, आपसे उम्मीद है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।